बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन कैसे लेना है क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है कौन कौन से पेपर्स आपको रेडी रखने होंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेने के फायदे क्या है आपको बता दें ये सब चीजों को तो समझेंगे ही साथ में मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा कार लोन के लिए या तो सरकारी बैंक को प्रिफरेंस कीजिए और सेकेंड प्रिफरेंस में बड़े प्राइवेट बैंकों को रखिए कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के चक्कर में मत पड़िए मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे हैं जो आपको ठग लेंगे ठग इस

आप कोई प्रोफेशन में हो डॉक्टर इंजीनियर कोई भी हो आप ले सकते हो कार लोन आपकी उम्र जो है अगर आप सैलरी पर्सन हो तो 21 साल से अंठावन साल के बीच में होना चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस कंडीशन में आप पैंसठ साल तक कार लोन ले सकते हैं सैलरी वालों के लिए कम इसीलिए रखा गया है क्योंकि साठ साल में वो रिटायर कर जाते हैं उसके बाद ये देखिए कि अगर आपका सिविल स्कोर सात प्लस है तो उस कंडीशन में आपको कार लोन और आसानी से मिलेगा और आपको ब्याज दर भी कम देना पड़ेगा जिन्होंने आज तक लोन नहीं लिया है उनका सिविल स्कोर वन होता है तो वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कार लोन चुकाने का जो टाइम मिलता है वो बारह महीने से लेकर चौरासी महीने

तो पिछले दो साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो उसमें आप 80 परसेंट तक कटा सकते हैं इसके बाद आप समझिए कि क्या क्या पेपर आपको रेडी रखने होंगे इस लोन में अप्लाई करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के देखिए सबसे पहला पेपर में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ये सब चीजें तो सबको लगेगी इसके बाद आपको बता दूं कि जो लोग सैलरी उठा रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है उनका सैलरी स्लिप पिछले छह महीने से एक साल का सैलरी स्लिप आपसे मांगा जा सकता है इसको रेडी रखना होगा अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो उस कंडीशन में फॉर्म सिक्सटीन का कॉपी मांगा जा सकता है और बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है ये हो गया सैलरी वालों के लिए और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे बता दूं कि उनके बिजनेस का प्रमाण मांगा जा सकता है जीएसटी नंबर मांगा जा सकता है एड्रेस प्रूफ मांगा जा सकता है एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने बिजनेस का बिजली का बिल जमा कर सकते हैं पानी का बिल जमा कर सकते हैं कुछ भी जमा कर सकते हैं और उसके अलावा आपको प्रॉपर्टी का अगर जहां पे आपका बिजनेस स्थापित है उस प्रॉपर्टी का कॉपी भी मांगा जा सकता है ये सारा चीज जो है आपसे मांगा जा सकता है आपको बता दें आपका पूरा तरह से कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए मतलब किसी भी तरह से आप लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा एफ नहीं होनी चाहिए ये सारे पेपर्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको मिल जाता है अब इंटरेस्ट रेट को समझिए और फिर समझते हैं अप्लाई कैसे करना है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीस होता है इंटरेस्ट रेट उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में माफ कर दिया गया है और बहुत सारे केस में प्रोसेसिंग फीस लिया भी जाता है अगर कॉमर्शियल गाड़ी वगैरह हो होता है तो उसका अलग कंडीशन बनता है आपको बता दे कि इसका इंटरेस्ट रेट आठ से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप किस राज्य में रहते हो आपका पिछला लोन डिफॉल्ट तो नहीं था इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर कितना है आपने जो लोन अमाउंट लिया है वो आप कितने समय में चुका रहे हो जितना देर करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जितना आपका सिविल स्कोर होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा यह सारा चीज जो है आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट रेट जो है जितने भी बैंक है से लेकर तक चार्ज करते हैं लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट आठ स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही कम है अब यह समझिए कि अप्लाई कैसे करना है इसको और कैसे प्रोसेस होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन के लिए न्यूनतम सीमा जो रखा गया है वो दो लाख का रखा गया है और अधिकतम सीमा जो रखा गया है वो पचास लाख का रखा गया है मतलब पचास लाख तक की गाड़ी आप ले सकते हैं चुकाने का समय की बात करें तो अधिकतम जो है साठ महीने का समय मिलता है आपको चुकाने का और कई केस में आपको छियानवे महीने तक का समय मिल जाता है इसको चुकाने का चुकाने का जो टाइम होता है वो आपके ई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा ई पे करते हो आपको सबसे जरूरी ये चीज समझना है कि आपका सिविल स्कोर जो है सात से ऊपर होना चाहिए और आपका इनकम सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए आपके पास एक आय का साधन होना चाहिए जो कि रेगुलर दो साल से कम से कम चल रहा हो अगर जॉब कर रहे हैं तो कम से कम इक्कीस कम से कम एक साल

हो सकता है कि जवाब देने में कुछ सेकंड की देरी हो जाए लेकिन हर एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा आपके और कार लोन से रिलेटेड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर किसी दूसरे बैंक के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो उसको भी आप प्ले से चेक कर सकते हैं यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ बने रहिएगा हम सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट आती है क्योंकि सरकार जो है ना कभी कभी कॉमर्शियल गाड़ियों पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट देता है बहुत सारे राज्य सरकार जो है कॉमर्शियल गाड़ियों पे बहुत सारा स्कीम्स निकालते हैं तो जो भी स्कीम वगैरह आते हैं जो भी लोन के अपडेट आएंगे सब आपको हम इसी चैनल पर करते रहेंगे चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत